तो फ्रेंड्स, चेंजिंग द टेस्ट में टॉपिक है टेंस। अगर आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिया होगा और एग्जांपल में ऐसा बोला गया होगा कि चेंज इनटू द पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या तो फ्यूचर टेंस, आप सभी लोग टेंस पढ़ा ही है, तो उसके हिसाब से जो टेंस क्वेश्चन में दिया होगा और हमें जिस टेंस में चेंज करने दिया होगा उस पर हम चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल नंबर एक में के हनुमान गेट्स आउट ऑफ द सर्कल ऑफ डेमन्स, तो ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट टेंस। कौन सा? सिंपल प्रेजेंट। और फिर हिज टेल इज फ्लेमिंग फ्यूरियसली, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद ही गोज ऑन लीपिंग अबाउट ऑन द रूफ्स ऑफ हाउसेस, तो ये भी क्या बनाएगा? ये भी एक प्रकार का प्रेजेंट टेंस ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे गो के साथ ईएस का यूज हुआ है। उसके बाद एवरी रूफ कैचेस फायर, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हमें इस प्रेजेंट टेंस को चेंज करना है पास्ट में। जहां सिंपल प्रेजेंट है वहां हम करेंगे सिंपल पास्ट, और जहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस है हम चेंज करेंगे उसके पास्ट कंटिन्यूअस में। तो देखिए कैसे होता है। अब देखिए कि हनुमान गेट्स आउट ऑफ द सर्कल ऑफ डेमन्स, के हनुमान दानव के चंगुल से बाहर निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे गेट्स आउट, तो ये हनुमान क्या है? सिंगुलर थे, सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे वर्ब के साथ एस का यूज हुआ है, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है? वर्ब का हमेशा सेकेंड फॉर्म होता है, तो गेट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? गॉट। लिखेंगे हनुमान गॉट, ये हो गया। फिर आउट ऑफ द सर्कल ऑफ डेमन्स देना है, आउट ऑफ सर्कल ऑफ डेमन्स, ठीक है। अब यहां पे देखिए सिर्फ चेंज किसमें हुआ, यहां पे गेट्स यहाँ पे था और हमने यहाँ पे क्या किया? गोट किया। बाकी कहीं पे चेंज हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वी फर्स्ट या फिर वी फर्स्ट के साथ एस या तो ईएस का यूज होता है, लेकिन उसके ऑपोजिट में सिंपल पास्ट जो है उसमें चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यूज होगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे गेट था, यहाँ कर दिए गोट हो गया, बाकी जो सेंटेंस है रहेगा सेम टू सेम। अब देखिए आगे, हिज टेल इज फ्लेमिंग फ्यूरियसली, उनके जो पूंछ है वो किससे था? एकदम खतरनाक, तो लिखेंगे या फिर भयंकर, इसका एक्सोर होता है फ्यूरियसली मतलब भयंकर। लिखेंगे हिज, तो इसका हिज ही रहेगा क्योंकि ये प्रोनाउन है। उसके बाद टेल है, टेल मतलब पूंछ, तो टेल का टेल ही लिखेंगे। उसके बाद यहां देखिए कि यहां लिखा है इस, ठीक है। इस कहां का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग ऑफ है, जिसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें यहां पे इज है तो इस के बदले हम यूज करेंगे वाज, अगर यहां पे आर होता तो उसके बदले हम यूज करते वेयर, अगर यहां पे एम होता तो उसके बदले हम यूज करते वाज, मतलब एजम हो तो वॉस, आर हो तो वेयर। लिखेंगे हिज टेल वॉस फ्लेमिंग फ्यूरियसली, इसमें फुल स्टॉप। अब आगे देखिए, ही गोज ऑन लीपिंग अबाउट ऑन द रूफ्स ऑफ हाउसेस, वह हर घर के एक छत से होकर दूसरे छत के जा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ही है, सिंगुलर ही उसके साथ यूज हुआ है, गो के साथ ईएस, तो ये गिनाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? सिंपल पास्ट टेंस। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ही का तो ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे वी फर्स्ट के साथ जो ईएस है उसका बन जाएगा सेकेंड फॉर्म, तो गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होगा गॉट, बाकी जो सेंटेंस है वो एज इट इज रहेगा। लिखेंगे ऑन लीपिंग अबाउट ऑन द रूफ्स ऑफ हाउसेस, द रूफ्स
of houses. आगे देखिए, every roof catches fire. और हर एक जो घर के छत था उसमें सभी में आग लग गया. तो लिखेंगे every roof. अब यहाँ पे सिमिलर हो गया इसके लिए कैच के साथ, यहाँ पे ES का यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो बन जाएगा cut. लिखेंगे every roof catches के बोले क्या आएगा, cut. सेकेंड फॉर्म हो गया. थर्ड फॉर्म भी इसका कट ही रहेगा. उसके बाद लास्ट में है फायर, फिर फुल स्टॉप. अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर. सेकेंड क्वेश्चन, द ग्रीडी मैन डिग्स अ होल इन द ग्राउंड. लालची इंसान जमीन में एक खड्डे की खुदाई करता है. ही पुट्स ऑल हिज मनी इनटू द होल. वह अपने सारे पैसे उस खड्डे में रख देता है. His servant finds out where the money is hidden. उसका जो नौकर होता है वह पैसा कहाँ है वो ढूंढ लेता है. He takes out the money and runs away. वह सभी पैसे निकाल लेता है और रफू चक्कर हो जाता है, मतलब भाग जाता है. तो यहां बोला गया है कि चेंज इंटू द फ्यूचर टेंस. तो चेंज इंटू द फ्यूचर टेंस बोला गया है, लेकिन यहां पे जो हमने पढ़ा अभी ये कौन से टेंस में है, तो ये सब के सब जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. तो सिंपल प्रेजेंट को हम बदलेंगे सिंपल फ्यूचर में. तो कुछ नहीं करना है, जहां पे वी फर्स्ट के साथ एस या फिर ईएस है या तो ऑनली वी फर्स्ट है, वहां हमें उसके पहले एस और ईएस को हटाकर वी या फिर सेल रखना होगा. देखिए, द ग्रीडी मैन लिखेंगे फर्स्ट, द ग्रीडी मैन. अब देखिए यहां पे है डिग्स, ठीक है, वी फर्स्ट के साथ एस और ईएस है, या तो वी फर्स्ट हो तो उसके पहले हमें रखना है विल या फिर सॉल. विल लिखे उसके बाद यहां से एस हट जाएगा, क्या हो जाएगा, डिग, dig a hole in the ground. उसके बाद he puts all his money into the hole. तो देखिए यहां पे लिखा है puts, ठीक है, उसके साथ s का यूज हुआ है, किसके साथ, v first के साथ, तो उसके पहले हमें v या तो सॉल रखना पड़ेगा. लिखेंगे पहले ही विल पुट, अब यहां से एस हट जाएगा, क्या बचेगा, पुट ऑल हिज मनी इनटू द होल, इनटू द होल. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पे इन के बदले इन टू क्यों हुआ. देखिए, अगर किसी कमरे के अंदर होते हैं तो वहां पे इन होता है, लेकिन किसी कमरे के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर में होंगे तो क्या होगा, इन. जैसे खड्डा है तो खड्डे में मतलब इन आएगा, खड्डे के अंदर है मतलब इन टू आएगा. उसके बाद देखिए, हिज सर्वेंट फाइंड्स आउट वेयर द मनी इज हिडन. लिखेंगे यहां पे हिज सर्वेंट है, उसके बाद यहां पे देखिए फाइंड्स है, ठीक है, फाइंड्स के साथ यूज हुआ है एस, और यहां लिखेंगे हिज सर्वेंट विल, अब वहां से एस हट जाएगा, क्या बचेगा, फाइंड, फिर आउट वेयर द मनी इज हिडन, वेयर द मनी इज हिडन, ओके. अब देखिए लास्ट, ही टेक्स आउट द मनी एंड रन्स अवे. अब यहां देखिए टेक्स का यूज हुआ है, ठीक है, लिखेंगे
ही विल, विल का यूज हुआ मतलब यहां से एस हट जाएगा, क्या बचेगा टेक, ही विल टेक आउट द मनी, ठीक है। अब यहां पे जो रन्स टेक आउट मनी एंड रन्स है, अब यहां भी विल का यूज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये एक ही सेंटेंस है और एंड कंजंक्शन के साथ यहां वाक्य को जोड़ दिया गया है, तो उसके हिसाब से हम यहां पे एस हटा देंगे, ओनली लिखेंगे रन, ओके, ही विल टेक आउट द मनी एंड रन अवे, ये हो गया, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिंसिपल कॉल नितिन, प्रधानाचार्य ने नितिन को बुलाया, नितिन रैन फास्ट टू गेट टू द ऑफिस, नितिन ऑफिस तक पहुंचने के लिए क्या किया, तेजी से दौड़ा, मतलब बहुत तेज दौड़ा, कहां जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस का मतलब होता है कार्यालय, बट ही फेल डाउन एंड ब्रोक हिज लेग, लेकिन वह नीचे गिर गया और उसका पैर टूट गया, द प्यून हेल्प हिम, और प्यून ने उसकी मदद की, इसे बोला गया है कि चेंज इन टू प्रेजेंट टेंस। अब ये जो आपने पढ़े अभी क्वेश्चन नंबर 3, ये दिया गया था सिंपल पास्ट टेंस में, इसे चेंज करना है हमें प्रेजेंट टेंस में, तो जो सिंपल होगा तो सिंपल ही रहेगा, कंटिन्यूस होगा तो कंटिन्यूस रहेगा, परफेक्ट होगा तो परफेक्ट ही रहेगा, लेकिन क्या चेंज होगा, प्रेजेंट या पास या तो फ्यूचर, यहां बोला गया प्रेजेंट तो चेंज करेंगे प्रेजेंट में ही, चलिए लिखते हैं द प्रिंसिपल कॉल नितिन, ठीक है, तो यहां पे देखिए यहां यूज हुआ है कॉल, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, प्रिंसिपल सिंगुलर में, तो यहां पे क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल क्या आएगा, सी ए डबल एल एस, कॉल्स, क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, किसे बुलाया, तो नितिन को, लिखेंगे नितिन, फिर फुल स्टॉप। सेकेंड सेंटेंस, नितिन रैन फास्ट टू गेट टू द ऑफिस, अब देखिए यहां पे लिखा है रैन, यहां पे भी यूज हुआ है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म होगा रन, और थर्ड फॉर्म भी आएगा रन, तो क्या लिखेंगे, नितिन क्या आएगा, रन आएगा, सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ एस जुड़ेगा, उसके बाद फास्ट टू गेट टू द ऑफिस, फिर क्या है, फुल स्टॉप, बट ही फेल डाउन एंड ब्रोक हिज लेग, लेकिन वह नीचे गिर गया और उसका पैर टूट गया, लिखेंगे बट ही फॉल्स डाउन एंड ब्रेक्स हिज लेग, ठीक है, क्या लिखेंगे, बट ही फॉल्स डाउन एंड ब्रेक्स हिज लेग, लास्ट सेंटेंस, द प्यून हेल्प हिम, लिखेंगे यहां पे द प्यून सिंगुलर है तो द प्यून हेल्प के बोले क्या आएगा, हेल्प्स, एच ई एल पी एस, हेल्प्स, लास्ट में क्या आएगा, हिम, तो हिम का हिम रहेगा और लास्ट में फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, वंस अ लायन फॉल्स इल, एक बार क्या होता है कि एक शेर बीमार पड़ जाता है, ही कैन नॉट गो आउट टू हंट एनिमल्स, वह पशु या फिर जानवरों के शिकार के लिए बाहर नहीं जा सकता,
He has nothing to eat and so he feels very weak. उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है जिसकी वजह से वह कमजोर महसूस करता है. Then he spots a fox walking towards the den. उसके बाद वह देखता है या फिर उसको ध्यान आता है कि एक लोमड़ी गुफा की तरफ जा. तो लिखेंगे यहां बोला गया है चेंज इनटू द पास्ट टेंस. अब ये सब जो पढ़े हम ये क्या है सिंपल प्रेजेंट में है. इसे कन्वर्ट करना है सिंपल पास्ट में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लिखेंगे आंसर में वंस अ लायन. अब देखिए यहां पे फॉल्स है ठीक है. तो फॉल्स का क्या हो जाएगा फेल इल. He cannot, अब यहां पे can है तो can का क्या हो जाएगा could. लिखेंगे he could not go out to hunt animals. लास्ट में फुल स्टॉप. अब सेकेंड सेंटेंस He has nothing to eat and so he feels very weak. अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है. भले यहाँ कंजक्शन एंड है लेकिन उसके बाद क्या है so that. So है इसके लिए सेकंड सेंटेंस अलग हो गए. तो यहाँ पे देखिए has के बदले क्या हो जाएगा had. अब यहाँ feels के बदले क्या हो जाएगा felt. तो लिखेंगे तो स्टार्ट करते हैं. He है तो यहाँ पे लिखेंगे he. Has a present perfect में has a और have. तो past perfect में क्या है दोनों के लिए had used होगा. He had nothing to eat. Nothing to eat. And so he. अब देखिए यहां पे feels है ठीक है. ये फील्स है तो यहाँ पे से एस हट जाएगा क्या बनेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अब हमें यहाँ पे चेंज करना है पास्ट टेंस तो लिखेंगे हम वर्ब का सेकंड फॉर्म. तो फील का क्या हो जाएगा फेल्ट. ही फेल्ट वेरी वीक. फिर फुल स्टॉप. उसके बाद देन क्या है ही स्पॉट्स. देखिए यहाँ पे स्पॉट साथ में यूज हुआ है एस तो यहां से एस हट जाएगा. हम लिखेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म तो क्या हो जाएगा स्पॉटेड. लिखेंगे देन ही स्पॉटेड यहां पे डबल टी आएगा स्पॉटेड लिखे. उसके बाद क्या आएगा अ फॉक्स वॉकिंग टुवर्ड्स The den. Okay, walking towards the den. Last way, full stop. Last example. The boys went for a picnic. लड़के लोग पिकनिक के लिए गए. They jumped into the river. वो नदी में कूद गए. They swam for a long time. वे काफी लंबे समय तक तैरते रहे. They enjoyed themselves. वे बहुत आनंद उठाए. और यहां बोला गया है कि चेंज इनटू द फ्यूचर टेंस. अब जो हमने ये पढ़ा ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक दो तीन चार सेंटेंस है. तो चारों किसमें है सिंपल पास्ट में है. हमें कन्वर्ट करना है सिंपल फ्यूचर. देखिए द बॉयस है. अब देखिए कि फ्यूचर टेंस में काफी लोगों को ऐसा तकलीफ होता है कि विल का यूज कहां करें और शैल का यूज कहां करें. तो इसके लिए आसान सा ट्रिक है अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए कि फ्यूचर टेंस में विल का यूज कहां करें और शैल का यूज कहां करें तो उसके लिए आप ओनली विल का भी यूज कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं
answers the voice तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं द वॉइस। अब यहां पे आपको समझ नहीं पड़ रहा है विल यूज करें कि शैल यूज करें, तो सीधा तरीका विल, विल। अब यहां पे देखिए ये है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो हमें चाहिए क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगा इसका गो, लिखेंगे विल गो फॉर अ पिकनिक, लास्ट में फुल स्टॉप। दे जंप इन टू द रिवर, जंप थे, यहां पे हमें क्या मिलेगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिल रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा जंप। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पे दे विल जंप इन टू द रिवर, लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए आगे दे स्वेम फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्वेम क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हमें क्या चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या होगा इसका स्विम, तैरना, लिखेंगे यहां पे दे विल स्विम फॉर अ लॉन्ग टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप। दे एंजॉय देमसेल्व्स, अब देखिए यहां पे यहां लिखा है देमसेल्व्स, अब आई हो तो आई के लिए क्या होता है माई सेल्फ, ही हो तो ही के लिए होता है हिमसेल्फ, सी हो तो सी के लिए होता है हरसेल्फ, अब देखिए यहां पे सेल्फ, लेकिन यहां पे क्या है सेल्फ, क्यों क्यों क्योंकि बहुवचन होगा तो सेल्फ के बदले हम क्या लिखते हैं सेल्फ, जैसे वी हो तो क्या लिखेंगे आवर सेल्फ, दे हो तो क्या आएगा देम सेल्फ, यू होगा तो यू के लिए दो होता है, एक तो होगा यू सेल्फ योर सेल्फ और एक होगा योर सेल्फ, ये यूज होगा सिंगुलर के लिए और ये यूज होगा प्लूरल के लिए। अब देखिए आगे दे एंजॉय देमसेल्व्स, लिखेंगे दे विल एंजॉय देमसेल्व्स, लास्ट में लिखेंगे देमसेल्व्स, फिर आएगा फुल स्टॉप। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें, फिर भी अगर समझ में आए तो मुझे आप बेशक पूछ सकते हैं।